अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है सर। देखिए सर, ऐसा था ये रोटी बैंक का कॉन्सेप्ट पहले तो मैं कुछ समझ आया नहीं था, फिर एक बार मैं दर्शन जी के पास होगी, मेरे साथ मिलते रहते थे, तो इन्होंने मेरे को एक बार कहा भाई ऐसे ऐसे कुछ, क्योंकि इस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की और कुछ हमारे जो लोग हैं उनको हेल्प की जरूरत है, तो मैंने कहा सर बताइए कैसे होता है। तो इन्होंने जब बताया फिर मैं यहाँ पर आया भी, फिर मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और फिर मैंने अपने ब्लॉग के अंदर उसको उस वीडियो को डाला, तो लोगों को समझ आया कि ये रोटी बैंक क्या चीज है। एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोगों में ये था कि भाई ये जो हमको चीज दे रहे हैं ना वो परफेक्टली चीज उन लोगों के पास जा रही है जिन लोगों की हम मदद करना चाहते हैं। तो लोगों को मैं पहले क्या था कि थोड़ा वहम था भाई इस चीज का, क्योंकि पता नहीं कोई आता है हमसे मदद लेता है और पता नहीं कहाँ फेंक रहा है या जेब में डाल रहा है, तो ये सारी चीजों को उन्होंने सब समझा, तो उसके बाद फिर हम भी इस रोटी बैंक के साथ जुड़ गए। इसके बाद सर आपके सामने सारी बात है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा सर, आज दिल से बात कहूंगा क्योंकि कुछ बातें दिल से भी होनी चाहिए, दिमाग से होती रहती है। आज मैंने थोड़ा सा उसको डाला भी था, थोड़ा भावुक भी हो गया दर्शन जी इस वक्त। तो ये सबसे बड़ी बात यह साहब कि ये जो जज्बा है ना ये है नहीं सर किसी के पास, दिक्कत यह है सर ये जो जज्बा आ रहा है ना इस जज्बे को हमें उठाना है, ऊपर उठाना है। देखिए आज इंसानियत की मेरे ख्याल से सबसे जिसे कहते हैं बुरे हालात में, ऐसे हालात कभी सोचे नहीं थे ना, उन हालातों के अंदर हम जाके खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो इस ग्रुप ने जो इन सब ने मिलकर उसको टक्कर दी है, तो यहां से ये लगा कि सर इंसानियत जो है अगर वो मजबूती से इंसान के साथ खड़ी रहे तो इंसानियत कभी मर नहीं सकती। तो सर ये काम आपने दर्शन जी और आपके सब ग्रुप ने किया, मैं हाथ जोड़ के और बिल्कुल दिल से इस चीज के लिए कहता हूं। और एक बात मैं और कहूंगा सर, इसमें आप चाहे मेरे को आप धार्मिक कह दीजिए चाहे मेरे को कम्युनल कह दीजिए, लेकिन आज मैं एक बात तो कहूंगा सर, मैं सरदारों की इज्जत तो बहुत करता था सर, अब तो पूजा करता हूं सर, अब मैं पूजा करता हूं सर, क्योंकि सर ये जो चीज है ना ये हमको मिल नहीं सकती, जो 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 मेहनत था, और एक नहीं जहां से आवाज आ रही थी इस कौम ने इतना डट के काम करा है, और जो वॉरियर बने हुआ मैं उसके लिए सर खूब ताली बजा रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखिएगा सर, थोड़ा देश की बात करते हैं, ये देश जो है ना सर ये किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है। और ध्यान रखिएगा धार्मिक तौर पे हम किसी के साथ कितने भी कहीं पे भी हों, इंसानियत के तौर पे हम सब इकट्ठे रहेंगे सर, इसको हम कभी छोड़ने वाले नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं जो गुरु नानक देव जी बोल के गए ना, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, मैं हमेशा कहता हूं सर ये जो एक फ्रेज है ना, एक लाइन है, इसमें पूरा संसार समाया हुआ है, क्योंकि इसके बाद ना इंसानियत की कोई तोड़ नहीं रह जाती, ये बिल्कुल सीधी बात हो जाती है कि हमें इंसान के काम आना है, हम सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं और एक ही तरह की हमारी जरूरतें हैं। इसके अंदर सर आप सब ने जो सहयोग किया मैं सबको नमन करता हूं सर, और खासकर सर कुछ लोग हैं मैं तो दर्शन जी को ही जानता हूं, एक बलजीत जी हैं बीच में उनका भी वो था, तो मैं उन सबको सर सब और आपको भी सर सबको नमन करता हूं सर, और नमन ही नहीं करता सर मैं तो आपको सर धन्यवाद, आप हमें प्यार कर रहे हैं, धन्यवाद सर, हम आप जैसे भाई हमारे साथ हैं, हम सब भाई एक हैं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।